हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के लिए चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 3 शेयर को जिनके आज Q3 के रिजल्ट आए हुए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को शुरुआत करते, जिसमें फर्स्ट आती है बंधन बैंक, सेकेंड इंडसइंड बैंक एंड थर्ड विप्रो। तो शुरुआत हम लोग करेंगे बंधन बैंक से रिलेटेड। सो सबसे पहले रिजल्ट कैसे आए, हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट बंधन बैंक के रिजल्ट आ चुके थे सुबह सुबह ही। तो यहाँ पे 0.87% की जंप, लगभग 5 पॉइंट्स की जंप, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 4.5-5 पॉइंट की जंप। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्ट मॉडरेट आए हुए, ना कि एकदम खराब बट ना कि एकदम ज़बरदस्त। तो चलिए दोस्तों, ये तो हम लोगों ने चार्ट पैटर्न से देख लिया, अभी हम लोग देखते कि इनके एक्चुअल में रिजल्ट कैसे है, जिसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा इकोनॉमिक टाइम्स के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, हेडिंग पढ़ सकते हो, बंधन बैंक के जो Q3 के रिजल्ट कैसे आए, प्रॉफिट मोर देन डबल टू ₹731 करोड़। सो दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइटल पढ़ोगे एंड जिस तरीके से चार्ट पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, प्रॉपरली नहीं लगेगा, मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अगर वो कह रहे कि मोर देन डबल है, 731 करोड़ आ चुका है, बट उसके बावजूद चार्ट पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल, 1% की भी जंप नहीं, तो ऐसा क्यों? तो इससे रिलेटेड अगर हम लोगों को पढ़ना है तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा एंड यहीं पे उसके लिए मुझे नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि बंधन बैंक के जो आज रिजल्ट आए हैं, जहाँ पे 120% की ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रही, जो कि है 731 करोड़। सो डेफिनेटली ये ज़बरदस्त जंप है, बट जैसे कि मैंने कहा, ये तो आधी स्टोरी हो गई। इसकी एक्चुअली पूरी स्टोरी अगर आपको सुननी है तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द नंबर्स आर नॉट कंपेरेबल। दोस्तों, ये नंबर्स हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, पिछले जो क्वार्टर के रिजल्ट है बंधन बैंक के एंड इस क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो कैसे है, नॉन कंपेरेबल है, क्लियरली यहाँ पे वर्ड में लिखा है। एंड ऐसा क्यों? एज द थर्ड क्वार्टर रिजल्ट इंक्लूड अ फिगर्स फॉर एन अ ग्रुप फाइनेंस विच वॉज एन अ मर्ज विद द बैंक विद एन इफेक्ट फ्रॉम एन October 17, 2019। सो दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे मर्जर हुआ था गुरुन फाइनेंस से रिलेटेड एंड इसीलिए हम लोगों को इनके जो Q3 के रिजल्ट है वो कैसे रहेंगे, नॉन कंपेरेबल रहेंगे, क्योंकि इनके जो दोनों कंपनी के फिगर्स है वो एड ऑन होके हम लोग को यहाँ पे देखेंगे। सो जितना भी अगर आप Q1 कंपेयर करोगे बंधन बैंक के रिजल्ट एंड इस वक्त के Q3 के रिजल्ट, तो आप लोगों को सारे पैरामीटर्स अच्छे ही नज़र आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मेरी ये वर्डिंग्स नहीं है, आप देख सकते इकोनॉमिक टाइम्स ने ये वर्ड यूज़ किया है कि ये क्लियरली कैसे नंबर्स आर नॉन कंपेरेबल, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे हाइलाइट्स देख लेते कि कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दे दिया है। तो अगर हम लोग सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम कैसे रहा, मैं वापस आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो भी नंबर्स आएंगे वो पिछले क्वार्टर से अच्छे आएंगे, इसलिए हम लोगों को अप ट्रेंड, राइज, पिछले क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट, इंप्रूवमेंट, यही वर्ड सुनने को यहाँ पे एंड देखने को मिलने वाले। तो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जंप 37% की जंप यहाँ पे हो चुकी है, जो कि पिछले क्वार्टर की बात करें 1124 था, जो कि इस वक्त 1541 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। उसी के साथ साथ नॉन इंटरेस्ट इनकम की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी जो पिछले क्वार्टर 234 करोड़ था वो 358 करोड़ हो चुका है एंड यहाँ पे भी रोज मतलब बढ़ चुका है लगभग 53% ईयर ऑन ईयर बेसिस। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और नीचे जाएंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, क्वार्टरली केम 7.9% फॉर एन अ मर्ज एंटिटी अगेंस्ट द 10.5% इन अ स्टैंड लोन इन अ सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। उसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों कि ग्रॉस एनपीए किसी भी बैंक के लिए, चाहे प्रॉफिट कितना भी आ जाए बट एनपीएस असेट क्वालिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं तो असेट क्वालिटी के ऊपर ही फोकस करता हूँ। सो अगर हम लोग ग्रॉस एनपीए की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है एनपीए का नंबर जो होता है वो कम होना चाहिए, तो बट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि मर्ज एंटिटी, सो एक कंबाइन नंबर है, तो पिछले इसकी अगर हम लोग बात करें 2.4% था एंड इस वक्त की अगर हम लोग बात करें जो कि 1.9% हो चुका है। सो ग्रॉस एनपीए भी अच्छा है बट एज एन अ मर्ज एंटिटी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसी के साथ साथ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाए, द कंपनी एडेड 7.3 लाख न्यू कस्टमर्स ड्यूरिंग द क्वार्टर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप उसी के साथ साथ अगर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर पढ़ सकते हो, बट जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी नंबर्स से रिलेटेड वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। एंड जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे भी चीज़ें कैसी हैं, जो नंबर्स आए वो नॉन कंपेरेबल है, क्योंकि पिछले वक्त जो क्वार्टर के रिजल्ट थे इसमें जो मर्जर हुआ है उसके भी नंबर्स ऐड हो चुके हैं, तो वो कंपेरेबल नहीं रहने वाले। बट ओवरऑल अगर हम लोग रिजल्ट की बात देखें तो चार्ट पैटर्न से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके रिजल्ट कैसे रहे, मॉडरेट रहे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर रिजल्ट खराब आ जाते तो डेफिनेटली हम लोग को ये कंपनी लाल निशान में देखने को मिलती, बट यहाँ पे हम लोग को ना तो ज़्यादा जंप ना तो ज़्यादा नीचे,
बिल्कुल मॉडरेट रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिले, ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे आज के दिन का परफॉर्मेंस देखे तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। 28% लोगों ने इस शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख दिया है। सो बंधन बैंक के रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पे जी के देख लिए, जो कि हम लोग कह सकते हैं मॉडरेट आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बैंक के ऊपर आ जाते हैं, जो कि निफ्टी 50 में भी आता है, जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। सो चार्ट पैटर्न से अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जहाँ पे 4% की गिरावट, लगभग 61 पॉइंट्स की गिरावट, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके रिजल्ट इतने अच्छे खासे नहीं आए होंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं उन रिजल्ट के ऊपर कि यहाँ पे क्या हुआ है। पर दोस्तों उससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ चार्ट पैटर्न पे फोकस रखना। आप देख सकते हैं रिजल्ट यहाँ पे इसी ड्यूरिंग टाइम में आए थे, जहाँ पे ये स्टॉक ने 1580 तक का हाई लगाया दिया था, बट उसके बाद आप देख सकते हैं सडनली इतनी गिरावट, जो कि हम लोगों को नेट 4% की गिरावट दिखा रही है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इनके जो रिजल्ट आए थे वो पार्ट पार्ट में रिजल्ट आए थे, मतलब पहले जो इन्होंने रिजल्ट प्रेजेंट किए थे वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी दिखने को मिल रही थी। इनके प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम था एज़ पर द एक्सपेक्टेशन, बट वहाँ पे जो असेट क्वालिटी थी वो यहाँ पे इंप्रूव नज़र आ रही थी। बट बाद में उन्होंने जो नए नंबर यहाँ पे पेश किए, वहाँ से हम लोगों को पता चला कि इनके जो नंबर है वो वापस यहाँ पे जैसे जो NPS की दिक्कत है पिछले क्वार्टर में वो वैसे ही कंसिस्टेंटली चल रही है, एंड उसके बाद हम लोगों को ये गिरावट नज़र आई, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं इस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर डायरेक्टली कि इनके रिजल्ट कैसे रहे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, जैसे कि कहा कि इंडसइंड बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट, प्रॉफिट की बात करें तो जंप हो चुका है 32% का, जो कि 1300 करोड़ तक का आ चुका है। बट जैसे कि आप लोगों ने देखा, इट नॉट मीट अ स्ट्रीट एस्टिमेट, मतलब इसने मिस कर दिए है, मतलब 32% तो उन्होंने जंप तो ज़रूर दिखाया बट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी ज़्यादा। एंड आप सभी लोगों को पता है कि अगर वो स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए या फिर वो मिस हो गए तो उसका नतीजा अभी आप लोगों को चार्ट पैटर्न पे ही देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ प्रॉफिट ये एक ऐसा पैरामीटर नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है असेट क्वालिटी, कंपनी के NPS में क्या सुधार आई है या नहीं, ये देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 2018 के अगर दिसंबर की बात करें तो 985 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस वक्त हम लोगों को दिसंबर 2019 में 1300 करोड़ का प्रॉफिट देखा, जो कि 32% अप था, बट मार्केट इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए रखा था एंड इसीलिए यहाँ पे स्ट्रीट एस्टिमेट कैसे हो गए, मिस हो गए। तो उसी के साथ साथ अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स ने भी बताया कि उनका जो एक्सपेक्टेशन था वो 1450 करोड़ तक का एस्टिमेशन था, तो 1450 करोड़ का प्रॉफिट एस्टिमेटेड था एंड 1300 का एक्चुअल प्रॉफिट आया, जो अगर आप कंपेयर करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे स्ट्रीट एस्टिमेट क्या हो गए, मिस हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। असेट क्वालिटी अगर की हम लोग बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कैसे रह चुके, यहाँ पे स्टेबल देखने को मिल रहे हैं, मतलब NPS की बात करें तो 2.19 पहले थे एंड 2.18 फिलहाल अभी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो बिल्कुल NPA में हम लोग को ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 34% तक का यहाँ पे जंप हम लोगों को इंक्रीज वहाँ पे हुआ है नेट इंटरेस्ट इनकम। उसी के साथ साथ अगर हम लोग एनालिसिस के अगर हम लोग प्रोजेक्ट की बात करें, मतलब प्रोजेक्टेड नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, सो 2990 इतना एक्सपेक्टेड था बट यहाँ पे 3074 तक का जंप हम लोगों को देखने को मिला है। पर दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि असेट क्वालिटी के साथ साथ हम लोगों को प्रोविजनिंग भी चेकआउट करनी होती है, तो वैसे ही अगर हम लोग नीचे आ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसी इंक्रीज 41% अगर हम लोग बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो लगभग 72% तक की जंप हम लोगों को यहाँ पे प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी में देखने को मिल रही है, जो कि बैंक के लिए बिल्कुल अच्छा खासा डेटा नहीं रहता है। पर अगर आप लोगों को मैं सच्चाई वाली बात बता दूं तो प्रोविजन वाला आंकड़ा ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर DHFL में अटका हुआ था, उसी के साथ साथ ADAG ग्रुप की कंपनियां उनको भी ये बहुत सारा लोन दे चुके थे। सो प्रोविजन यहाँ पे बढ़ना ये बहुत ही स्वाभाविक था, बट सबसे बड़ा झटका अगर बैंक को लगा है, मतलब उसके अगर प्राइस में ये नीचे गिरावट देखने को मिल रही है, वो है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया गया था वो 1450 करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था एंड यहाँ पे स्ट्रीट एस्टिमेट को मिस कर दिया फर्स्ट, एंड सेकेंड जो इनके NPS थे जो कि लास्ट मंथ में बहुत ही ज्यादा बढ़े एंड उसके वजह से हम लोगों को जो प्रेशर देखने को मिला उसके कारण ओवरऑल जो इनका परफॉर्मेंस है वो नीचे जाते हुए देखने को मिला है। सो दोस्तों ओवरऑल इंडसइंड बैंक की अगर हम लोग रिजल्ट को समराइज करके बोले तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि आप उसके चार्ट पैटर्न से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट को बाजार को इनके रिजल्ट इतने अच्छे खासे नहीं लगे एंड रीज़न बहुत ही सिंपल है, इट कैन नॉट बी
स्ट्रीट एस्टिमेट, तो उसी के कारण ये कंसिस्टेंटली नीचे आ रहे। तो चलिए दोस्तों अभी थर्ड स्टॉक के ऊपर आ जाते जिनके रिजल्ट अभी अभी आए हैं। तो सबसे पहले विप्रो का चार्ट पैटर्न जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी दिखा देता हूँ। फॉर्मेलिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्राइस का जो मूवमेंट है वहाँ पे रिजल्ट का महत्व नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो आए हैं वो कि अभी बाजार क्लोज हो जाने के बाद आए। सो जितना भी अगर आप लोगों को हरा निशान दिख रहा है या फिर जो कुछ भी प्राइस मूवमेंट आपको दिख रही है वो कोई भी रिजल्ट की वजह से नहीं है। जो भी रिजल्ट कैसे आए उसका अंदाजा हम लोगों को कल जब बाजार ओपन होगा या फिर जब भी बाजार ओपन होगा तभी हम लोगों को उनके जो प्राइस रहेगी विप्रो के ऊपर उससे अंदाजा आएगा कि इनके रिजल्ट कैसे आए हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि विप्रो के रिजल्ट कैसे रहे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे मुझे लाइव मिंट ये ई पेपर के ऊपर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विप्रो के रिजल्ट कैसे रहे। तो आईटी सर्विसेज मतलब विप्रो की बात करें, रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ चुका है $2,095 मिलियन तक। तो ये सबसे पहले मैं बता दूँ ये रेवेन्यू की उन्होंने बात की है, उसी के साथ साथ मार्जिन्स की अगर बात की तो वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हो चुके ऐसा लाइव मिंट ने यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर हम लोग बात करें क्वार्टरली ऑन क्वार्टर बेसिस, तो ये इम्प्रूव हो चुका है 18.4%। उसी के साथ साथ विप्रो एक्सपेक्ट अ रेवेन्यू फ्रॉम आईटी सर्विस बिजनेस टू इंक्रीज बाय अप टू 2% सब्सिक्वेंटली इन जनवरी टू मार्च क्वार्टर, मतलब ये क्वार्टर फोर की बात करिए, नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें यहाँ पे विप्रो खुद एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2% तक की जंप इन लोगों को रेवेन्यू में नेक्स्ट इसमें क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों रेवेन्यू तो देख लिया, मार्जिन देख लिया, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी बनता है कि कंपनी के प्रॉफिट कैसे रहे। तो उन्होंने शुरुआत वापस इसी से की है कि इनके रेवेन्यू तो अच्छे खासे आए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ ऑफ 1.8% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड 3.3% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ये किसकी ग्रोथ की बात करिए, ये रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मार्जिन भी देख सकते हो आप 18.4% बढ़ा है, बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग विप्रो के रिपोर्टेड जो नेट प्रॉफिट है वो 2460 करोड़ आ चुका है, एंड क्वार्टरली क्वार्टर बेसिस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते 2.2% यहाँ पे डाउन हो चुका है वाई ऑन वाई, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें 2.2% यहाँ पे डाउन हो चुका है। सो फ्रेंड्स अगर विप्रो के रिजल्ट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे रेवेन्यू अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है, मार्जिन्स भी यहाँ पे इम्प्रूव हुए, बट अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हम लोगों को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है जो कि है 2.2%। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं विप्रो के में ओरिजिनल जो उन्होंने रिजल्ट पेश किए उसके ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि रिजल्ट अभी अभी आए तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो जो रिजल्ट मैंने यहाँ पे पढ़े तो यही समराइज फॉर्म में कहना चाहूँगा कि इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट अगर हम लोग कहते तो यहाँ पे अच्छे खासे आए, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम लोग बात करें मतलब 2018 से कंपेयर करके देखें 2019 का डेटा, तो यहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है जो कि हर साल हम लोगों को देखने को मिलता है। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले अगर हम लोग ईपीएस को भी कंपेयर करें तो अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यह इस क्वार्टर का ईपीएस जो कि पिछले क्वार्टर के ईपीएस से तो बहुत अच्छा है, बट अगर हम लोग कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस 2018 के ईपीएस से अगर हम लोग कंपेयर करें तो वो कैसे नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, बट प्रॉफिट में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है अगर हम लोग उसको ईयर ऑन ईयर को कंपेयर करें तो। उसी के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पे विप्रो से रिलेटेड इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है, ₹1 per share इक्विटी शेयर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो डिविडेंड भी उन्होंने अपने शेयर होल्डर को यहाँ पे दिया हुआ है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एंड अगर इस चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।